तुम्हारे सारे के सारे प्रपंच लोगों के सामने रखने के लिए। फटने वालों की फटेगी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। दोस्तों बहुत सारे अपडेट लेके आ चुका हूँ। तो आज का अपडेट हमारा होने वाला सिद्धांत जायसवाल, भरत सिंह वाले, अमित पंगाल, अरविंद स्पार्टकस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो अपडेट आया है वो आया है हमारे भरत सिंह बालिया की तरफ से। दोस्तों भरत सिंह बालिया ने साइकिल कार को लेकर बहुत कुछ बातें की है, एक बार उसका हम कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। कोई बड़ा देशभक्ति दिखा रहा है, कह रहे हैं कि झंडा हमारा तिरंगा ओलंपिया के स्टेज पे फहरा दिया। मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ जहाँ तिरंगा ओलंपिया के स्टेज पे फहरा हुआ था। देखिए ये तो बहुत गर्व की बात होगी अगर फहरा था या फहरेगा पूरी दुनिया में फहरेगा, लेकिन झूठ बोल के तो नहीं फहरेगा ना। अपने स्टॉल के ऊपर फहरा कर, अच्छी बात है फहराया, लेकिन फहरा कर ऐसा दिखाना कि ओलंपिया मेन स्टेज पे फहरा था, ऐसा झूठ रच कर अपने ब्रांड की प्रमोशन तो मत कीजिए। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि आपको केवल पैसे पैसे और पैसे से मतलब है। एथलीट्स को स्पॉन्सर करने की बात करते हैं, लेकिन स्पॉन्सर करते हैं कुत्ते बिल्ली को, और अच्छे अच्छे एथलीट्स की टांग खींचते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। तुम जैसे लोग ये मत भूलो कि भारत सिंह वालिया खड़ा है तुम्हारे सारे के सारे प्रपंच लोगों के सामने रखने के लिए। मेरी भारत भूमि, मेरा तिरंगा, मेरी शान, और इसके नाम पे अगर बिजनेस करोगे तो कपड़े फट जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आया तरुण गिल की तरफ से। दोस्तों तरुण गिल ने अपनी वाइफ नीति और खुद की रिलेशन के बारे में हेटर्स को कुछ जवाब दिया है, पर वो देख लेते हैं। आज हमारी हो गई शादी को 10 साल। सो ये क्लासिक एग्जांपल है व्हेन अ गुड गर्ल मैरीज अ बैड बॉय, राइट। तो यार तुम बताओ यार, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जिन लगता है कि इसने तो अपनी वाइफ तक को नहीं छोड़ा यार, पता नहीं किस तक के लिए नहीं छोड़ा। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ही बता दो भाई, कुछ मार्गदर्शन कर दो ऐसे लोगों का, बताओ। अब बाहर लोग बोलेंगे, बोलने वाले तो कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर जेलस, क्योंकि जैसे हम हैं साथ में। You do everything together? Yes. फोन से लेके हमारा फोन, we don't have any passwords, इकट्ठे रहते हैं, we shoot together, we travel together. तो भाई जलने वालों की तो जलेगी और फटने वालों की फटेगी। ए तरुण मेरे साथ। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आया अरविंद स्पार्टकस की तरफ से, जो कि अमेचर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले। दोस्तों उन्होंने अपनी लेटेस्ट फिजिक शेयर की है, तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हो कितने ज़बरदस्त, कितने ह्यूज लग रहे हैं, कितना मसल मास इन्होंने गेन कर रखा है, और बॉडी की कंडीशनिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब दोस्तों स्टेज पर कैसी परफॉर्मेंस लेके आते हैं वो तो उस टाइम पता लगेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर अरविंद स्पार्टकस। बाकी दोस्तों आपको अरविंद भाई की फिजिक कैसे लगती है आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो हमारा है वो आया रवि पवार की तरफ से। दोस्तों रवि पवार मुंबई प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं, और बात करें उनकी लेटेस्ट फिजिक की, तो आप पिक में देख सकते हो कितने ह्यूज लग रहे हैं, शोल्डर कितने वाइड लग रहे हैं, और मसल मास बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कैरी किया इस बार। दोस्तों रवि पवार बहुत सारे स्टेज शेयर कर चुके हैं, इस पिक में आप देख सकते हो उनकी बॉडी पे कितनी शेडर लग रही है, एब्स कितने विजुअल दिख रहे हैं, बॉडी में फाइबर्स अलग ही नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही धमाका करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो आया वो आया हमारे सिद्धांत जायसवाल की तरफ से। दोस्तों सिद्धांत जायसवाल ने रिसेंटली फिजिक अपडेट की है, जिसमें आप देख सकते हो उनके ग्लूट्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, उनकी थाई, उनका आर्म्स का साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि साइड चेस्ट की, उनकी हैमस्ट्रिंग की, तो अलग ही लेवल की वो लग रही है। मुझे लग रहा है ये इस साल का प्रो कार्ड जीत सकते हैं, तो मेरी विशेष है सिद्धांत जायसवाल भाई के साथ। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो आया है वो आया अमित पंगाल की तरफ से। दोस्तों अमित पंगाल की आप लेटेस्ट फिजिक की बात करो तो ये भी बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। दोस्तों इनकी बॉडी कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी है, इनकी बॉडी पे बहुत ही कम फैट परसेंटेज है अभी, बाकी मसल मास भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आपको किसी की फिजिक ज़्यादा अच्छी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।